Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak. Mera nama Ainul Yaqin. Humne Malaysia se leta Moraka. Is waqt main batau balig Jumat Ahmadiyya Malaysia mein kaam kar raha hoon. Sabse pehle main Malaysia ke bare mein kuch batana chahta hoon, uske baad phir Jumat Malaysia ke bare mein kuch zyada sunana chahta hoon. Malaysia 1957 mein British hukumat se azadi hasil kiya aur ye Islam hukumat mein apta hai matlab Islam hukumat chal rahe hai Malaysia mein ye dekhne wale log hain bahut khoobsurat log hain aur duniya mein 11 September se pehle duniya mein do twitter hote hain to 11 September ke baad ab tak sirf duniya mein ek twin tower hote hain jisme Malaysia mein hai aur bahut unche hai aur bahut dekhne wale building hai. Malaysia mein mukhtalif qaumon par mushtamil hai, sabse zyada Malay, Chinese, India, Sikh aur uske baad bahut mukhtalif qaumon par mushtamil hai. Official mazhab इस्लाम, और आप अंदाजा कर सकता है कि जुमा कैसे वहाँ गुजारे. आप भी बात कर देता हूँ उसके और जैसे मैंने आपको कहा था कि मलेशिया में इस्लामी हुकूमत चल रही है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त अब्दुल्ला बदामी, वो इस वक्त को आईसी चेयरमैन होते हैं. तो दुनिया के खिलावत कुरान जो मलेशिया में हर साल मुनद किया जाता है, तमाम दुनिया के जो कार्य कार्यालय वहाँ जमा होते हैं, वहाँ खिलावत मुकाबला जाता है. अभी मैं जुमान के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ. मलेशिया में जमात अहमदिया 1932 में वहाँ पर जो है सबसे पहले सिंगापुर में पहुंचे. उस वक्त सिंगापुर मलेशिया की हुकूमत में है, लेकिन 1960 में सिंगापुर ने आज़ादी हासिल किया मलेशिया से. पुराने मुबारक में से चंद नाम आपके सामने लेता हूँ. सबसे पहले मौलाना मोहम्मद सादिक साहिब सुमतरी, उसके बाद मौलाना गुलाम हुसैन रियाज, उसके बाद उत्तर मलेशिया में, और उसके अलावा मौलाना सईद अंसारी साहिब. ये तीनों मेरा ख्याल से भी और कुछ हैं जो वहाँ काम किया करते थे. जमात अहमदिया मलेशिया में जमात अहमदिया हमारे हुकूमत ने जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम का फतवा जारी किया युद्धों के समाज में. तो उसके बाद बहुत मुखालिफत होते हैं. अल्लाह उससे पहले भी जब मौलाना गुलाम हुसैन रियाज और सैयद अंसारी के ज़माने में और मौलाना सैयद मोहम्मद सादिक सुमतरी के ज़माने में बहुत मुखालिफत होते हैं, लेकिन फिर 1975 से ये फतवा की काउंसिल ने पास किया कि जमात अहमदिया मलेशिया में गैर मुस्लिम करार दिया गया. तो उसके बाद काफ़ी मुश्किल होते हैं और बहुत मुखालिफत उसके बाद जारी है. और पिछले साल से दोबारा ये मुखालिफत होना शुरू हो गया.
अगर आप लोग वहां जाए मलेशिया में आप देख सकते इतना बड़े साइन बोर्ड लगा हुआ है, चार साइन बोर्ड लगे हुए मलेशिया में हमारे मस्जिद के नजदीक, वहां लिखा है कि कादियानी वहां कादियानी मशहूर है, हमारे मशहूर है, उन लोग भी पता कहते हैं हमारे क्या होते लेकिन हमको कादियानी कहते हैं। और साइन बोर्ड में लिखा है कादियानी इस्लाम की तालीम नहीं है, और जिसको कल्याणी में शामिल हो गए उसको इस्लाम से खारिज कर दिया गया, मुर्तद और काफिर। जिस तरह पाकिस्तान में उसी तरह मलेशिया में, लेकिन इतना सख्ती नहीं जिस तरह पाकिस्तान में, हम वहाँ आजाद दे सकते हैं और नमाज पढ़ सकते हैं उधर, सिर्फ जलसा के लिए हमको कुछ मुश्किल है। पिछले साल के जो जलसा है पहले पुलिस की तरफ से इजाज़त मिल गया, लेकिन फिर एक महीना जलसा सफेद रहे वो इजाज़त कैंसिल कर दिया, तो पिछले साल हमारा जलसा कर दी। इंशाल्लाह इस साल अगस्त के आखिर में, इस महीना के आखिर में इंशाल्लाह हमारा जलसा भी, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये जलसा कामयाबी के साथ क्या कर सकता है और इजाज़त भी मिल सकता है। सिर्फ दुआ है आपकी तरफ से, दुआ चाहता हूँ Yeah.